हमारे साथ बीजेपी की मेयर उम्मीदवार रेखा गुप्ता हैं। रेखा जी, 80 दिन तक मेयर चुनाव जो है वो टलता रहा और आज चुनाव हुआ। एक कड़ी टक्कर आपने दी है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार शैली ओबराय को। क्या लगता है कि अब आगे ये रिश्ता कैसा रहेगा? एक मजबूत विपक्ष के नाते, पॉजिटिव विपक्ष के नाते हम अपनी भूमिका अदा करेंगे और हमने वही किया जो हम पहले दिन से कह रहे थे। तब भी हमने यही कहा था कि हम अपनी पूरी ईमानदारी के साथ में, शुचिता के साथ में और ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। जो हमने लड़ा, लोकतंत्र में जो विपक्ष का अधिकार है, कहीं संशय में थी तो आम आदमी पार्टी थी, जो चुनाव को रोके हुए थी। उन्हें डर था, भय था, काउंसलर उठा लिए जाएंगे, ये क्रॉस वोटिंग हो जाएगी, वो उनका भय था। हम तो पहले दिन से हमारा स्टैंड क्लियर था और हमारा जो काम करने का रवैया था वो बिल्कुल एक तरफा था। आखिरी वक्त तक आप लोग कॉन्फिडेंस में थे कि मेयर आप ही बनेंगी और फिर नतीजे हमने देखा, कहाँ से क्यों लग रहा था, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा था? कुछ पहले से आप लोगों का इंतजाम था ऐसा कि आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो क्रॉस वोट कर सकते हैं? देखिए, हमने जो काम किया वो विपक्ष के नाते, लोकतंत्र में जो एक भूमिका रहती है उसके नाते किया, इसमें कहीं जीत और हार का प्रश्न नहीं था। आज यदि हमें 39% वोट मिल रहे हैं और उनको 42% वोट मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दिल्ली की जनता के लिए काम करना छोड़ देंगे। हमें वो सारे काम करने पड़ेंगे जो दिल्ली के हित में है, तो इसलिए हमने ये चुनाव भी लड़ा कि आज यदि इसमें हमें मौका मिलता तो हम दिल्ली की बेहतरी के लिए काम निश्चित रूप में करते। अब मेयर बन गया है आम आदमी पार्टी का और 15 साल बाद बीजेपी जो है वो MCD से बाहर जा रही है, आप किस भूमिका में रहेंगे? क्योंकि विपक्ष जो है अगर वो अपनी भूमिका अच्छे तरीके से नहीं निभाएगा तो मुझे लगता नहीं कि सदन जो है वो सही से चल पाएगी। हमने पहले भी, विपक्ष भारतीय जनता पार्टी हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करती है और विध्वंस कहीं भी हमारा ध्येय नहीं रहता है। ये आजकल जिस प्रकार से लोग करने लगे हैं, चाहे वो लोकसभा में कर रहे हैं, चाहे हाउस में कहीं पे भी करते हैं, वो उसको हम सपोर्ट नहीं करते। जहां भी दिल्ली के हित में, दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली की बेहतरी के लिए निर्णय होगा उसमें हम साथ देंगे। स्टैंडिंग कमेटी पर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी स्टैंडिंग कमेटी जीत सकती है। सदन के अंदर आप लोगों ने 3 कैंडिडेट उतारा है, आम आदमी पार्टी ने 4 कैंडिडेट उतारा है, 1 कैंडिडेट पर लड़ाई, तो क्या लगता है कि जो आंकड़े हैं वो आपके पक्ष में है स्टैंडिंग कमेटी पर? डेफिनेटली प्रोपोर्शनेट वोटिंग होती है स्टैंडिंग कमेटी मेंबर की और 3 कैंडिडेट जो हमारे हैं वो निश्चित रूप में जीतने वाले हैं। आप लोग एक डर जता रहे थे कि अगर मेयर डिप्टी मेयर आम आदमी पार्टी का बन जाता है उसके बाद पता नहीं स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कराएं या ना कराएं, तो क्या लगता है चुनाव होगा और स्टैंडिंग कमेटी में आपके जो लोग हैं वो जीत कराएंगे? हाँ, वी आर इन स्टिल इन क्यू। हमें अभी भी हाउस एडजर्न कर दिया गया 1 घंटे के लिए, क्यों कर दिया गया मालूम नहीं, तो जब चुनाव हो जाएगा तभी मानेंगे कि वो क्या करना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो ये रेखा गुप्ता थे जिन्होंने कहा कि जो विपक्ष की भूमिका है वो सदन के अंदर निभाएंगे और एक मजबूत विपक्ष के तौर पर बीजेपी जो है वो सामने आएगी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सुनील सिंह के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।